नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। सीबीएसई बोर्ड डेट शीट जारी। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सीबीएसई के 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी है। बता दें, सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की डेट शीट छात्र आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 4 मई से 10 जून तक आयोजित होगी। आपको बता दें, 6 मई को इंग्लिश, 10 मई को हिंदी, 15 मई को साइंस, 21 मई को मैथ, 27 को सोशल स्टडीज, 2 जून को संस्कृत और 7 जून को कंप्यूटर। जेएमएम के 42वें स्थापना दिवस पर बोले सीएम हेमंत, नियुक्तियों का वर्ष होगा 2021। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 42वां स्थापना दिवस समारोह मंगलवार को सादगी के साथ उपराजधानी दुमका में मनाया गया। बता दें, झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन ने दुमका में झामुमो का झंडा फहराया और शहीद वेदी पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके साथ ही कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक बसंत सोरेन समेत अन्य मौजूद हैं। बता दें, समारोह को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि 2021 नियुक्तियों का साल होगा। झारखंड में एचआईवी संक्रमितों को पेंशन, आवास व राशन कार्ड का लाभ। झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति के परियोजना निदेशक राजीव रंजन ने एचआईवी संक्रमितों को पेंशन व आवास देने तथा उन्हें राशन कार्ड उपलब्ध कराने पर योजना बनाकर काम करने के निर्देश पदाधिकारियों को दिए हैं, ताकि कोई भी संक्रमित इन योजनाओं से वंचित न रहे। बता दें, परियोजना निदेशक मंगलवार को नाको द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सबसे जरूरी है कि एचआईवी संक्रमितों के लिए रोजगार सृजन के साथ साथ उनकी आजीविका का भी पूर्ण ख्याल रखा जाए। जैक बोर्ड मैट्रिक व इंटर परीक्षा 4 मई से शुरू। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक 4 मई से बोर्ड की परीक्षा शुरू करने वाला है। इसे लेकर गुरुवार तक संभवतः डेट शीट जारी कर दिया जाएगा। वहीं सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 4 मई से 10 जून तक आयोजित करने की घोषणा की है। बता दें, जैक की प्रैक्टिकल परीक्षा 6 अप्रैल से आयोजित होगी। फिलहाल इस मामले में जैक असमंजस की स्थिति में है। दरअसल जैक सचिव महीप कुमार का मानना है कि सीबीएसई की परीक्षा 4 मई से होने की उम्मीद है, ऐसे में दोनों परीक्षाएं एक साथ होने से थोड़ी समस्या आ सकती है। पद्मश्री छुटनी देवी ने सुनाई आप बीती। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित सराय के लगे छुटनी देवी को माही केयर फाउंडेशन ने सम्मानित किया। बता दें, इस मौके पर छुटनी देवी ने बताया कि डायन करार कर मुझे घर से बाहर कर दिया गया था, जिसके बाद पेड़ के नीचे न जाने कितनी रातें गुजारनी पड़ी। उन्होंने कहा कि फिर मैंने बीड़ा उठाया डायन प्रथा के खिलाफ आवाज उठाने का, और आज न जाने कितनी महिलाओं को इस प्रथा से निजात दिलाने में मुझे सफलता मिली है। वे झारखंड की महिलाओं को संदेश देती है कि झुको नहीं, लड़ो, जीत तुम्हारी ही होगी। बंध्याकरण नसबंदी के फर्जी मामले में गढ़वा के पूर्व सिविल सर्जन पर प्राथमिकी। स्वास्थ्य विभाग गढ़वा में फर्जीवाड़ा कर बंध्याकरण मद की प्रोत्साहन राशि गमन करने का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। वर्ष 2015 से 2018 तक 3 वर्षों में 2.38 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किए जाने के मामले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन रांची के प्रशासी पदाधिकारी द्वारा गठित 3 सदस्यीय जांच टीम ने कार्रवाई की अनुशंसा करते हुए जांच रिपोर्ट सौंप दी है। बता दें, गढ़वा के तत्कालीन सिविल सर्जन समेत 5 कर्मियों और 8 निजी अस्पतालों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने की अनुशंसा की गई है। रांची में बीट पुलिसिंग के लिए तैयार हो रहा डाटा। रांची में बीट पुलिसिंग के लिए शहर के हर गली मोहल्लों की पूरी डेटा तैयार होगी। बता दें, किस गली में कौन वीवीआईपी रहते, कहां अपराधियों का जमावड़ा लगता और किस गली का रहने वाला अपराधी हाल में जेल से छूटा है, किस घर में हाल में बाहरी किराएदार रहने आया है, इस तरह की सभी जानकारियां पुलिस इकट्ठा करेगी। इसकी कवायद शुरू कर दी गई है। बता दें, बीट पुलिसिंग के लिए थाना के अफसरों के अलावा टाइगर जवानों को भी लगाया गया है। आज से 1.5 लाख फ्रंटलाइन वर्कर को लगेगा टीका। झारखंड के 1,54,000 फ्रंटलाइन वर्कर को 3 फरवरी से कोरोना का टीका लगना शुरू हो जाएगा। बता दें, फ्रंटलाइन वर्कर में बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के कर्मचारी, होमगार्ड पुलिसकर्मी, नगर विकास विभाग के अधीन नगर निगम एवं नगर निकाय के कर्मी और राजस्व विभाग के कर्मचारी भी शामिल हैं। बता दें, स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। अभी तक केवल सरकारी और निजी अस्पतालों के स्वास्थ्य कर्मियों को ही टीका दिया जा रहा था। आदिवासी संगठनों ने सांसद संजय और बाबूलाल का पुतला फूंका।
आदिवासी संगठनों ने मंगलवार को संयुक्त रूप से सांसद संजय सेठ और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का पुतला अलवर्ट एका चौक पर फूंका। बता दें, संगठनों ने झारखंड के आदिवासियों मूलवासियों को लेकर बयानबाजी करने पर विरोध दर्ज किया। जय आदिवासी केंद्रीय परिषद की महिला मोर्चा अध्यक्ष निरंजना हेरेज ने कहा कि सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा आदिवासी समाज को अपमानित करने व भारतीय संविधान में निहित कानूनों का घोर उल्लंघन करते हुए किसी जाति विशेष पर टिप्पणी करना अमर्यादित है। यह उनकी मानसिकता और बौद्धिक ज्ञान के स्तर को प्रदर्शित करता है। झारखंड में 59 नए संक्रमित की पुष्टि हुई है, जो बोकारो से 5, देवघर, हजारीबाग, खूंटी, सिमडेगा व गोड्डा से 1-1, पूर्वी सिंहभूम से 4, गुमला से 2, पलामू से 3, रांची से 30 व पश्चिमी सिंहभूम से 2 नए संक्रमित मिले हैं। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 118,792 है। वहीं 117,228 मरीज स्वस्थ हुए और झारखंड में कुल मौत की संख्या 1,075 है। एक्टिव केस 489 है। भारत में 11,000 नए संक्रमित की पुष्टि हुई है। भारत में कुल मौत की संख्या 154,635 है। वहीं एक्टिव केस की संख्या 157,355 है। जब तक झारखंडियों की सरकार, तब तक कोई बाल बंका नहीं कर सकता। हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को दुमका के गांधी मैदान में आयोजित 42वें झामुमो स्थापना दिवस कार्यक्रम में केंद्र सरकार, भाजपा और पूंजीपतियों पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक झारखंड में झारखंडियों की सरकार है, कोई इस राज्य का बाल बंका नहीं कर सकता। हर हाल में अपना अधिकार ले कर रहेंगे। न केंद्र हमारा हक दबा कर रख सकता है और न कोई व्यापारी। मुख्यमंत्री ने कहा कि काफी संघर्ष के बाद अलग झारखंड राज्य मिला। 2024 तक नल से जल मुहैया कराने का लक्ष्य सचिव। जल जीवन मिशन के तहत कांके में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। बता दें, जल संसाधन सचिव प्रशांत कुमार ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक सभी परिवारों को नल से जल मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाना है। लोग जागरूक होंगे तो लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से की जा सकती है। प्रशांत कुमार ने कहा कि हमारा यह मिशन जन आंदोलन बने, इसके लिए स्टेक होल्डर की बैठक रखी गई है। बंगाल में बीजेपी को रोकने के लिए ममता से हाथ मिलाने को हेमंत तैयार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा को रोकने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस से हाथ मिला सकते हैं। बता दें, सोरेन ने इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ममता दीदी हमारे समान विचारधारा की है। पश्चिम बंगाल में भाजपा षड्यंत्र के तहत बिसात बिछा रही है। अभी के हालात में भाजपा को रोकना जरूरी है। ममता दीदी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से अभी कोई बात नहीं हुई है। राजनीति घटना क्रम पर हमारी नजर है। 8वीं, 9वीं और 11वीं की नहीं होगी परीक्षा, सीधे अगली कक्षा में प्रमोट किए जाएंगे। 8वीं, 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा अब नहीं होगी। बता दें, कुछ ही दिन पहले इन कक्षाओं के छात्र छात्राओं की परीक्षा लेने की बात हुई थी, लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत इन कक्षाओं के छात्र छात्रा सीधे अगली कक्षा में प्रमोट किए जाएंगे। सूत्रों के अनुसार झारखंड एकेडमी काउंसिल जैक ने इन कक्षाओं के छात्र छात्राओं की परीक्षा नहीं लेने का प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव पर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग मंथन कर रहा है। जल्द ही इस संबंध में औपचारिक घोषणा की जाएगी। बाबा बैद्यनाथ की स्पर्श पूजा शुरू। बाबा बैद्यनाथ की स्पर्श पूजा मंगलवार से पुनः शुरू हो गई है। बता दें, 310 दिनों के लंबे अंतराल के बाद बाबा बैद्यनाथ की स्पर्श पूजा शुरू होने से श्रद्धालुओं के चेहरे पर खुशी देखी गई। गर्भगृह में प्रवेश कर बाबा बैद्यनाथ की स्पर्श पूजा कर निकलने वाले श्रद्धालुओं के चेहरे पर आत्मसंतुष्टि का भाव नजर आया। झारखंड ओपन कराटे चैंपियनशिप कार्यकारिणी कमेटी गठित। आगामी 6 और 7 फरवरी को झारखंड कराटे एसोसिएशन के तत्वाधान से झारखंड ओपन कराटे प्रतियोगिता का आयोजन रांची में किया जा रहा है। रांची कराटे एसोसिएशन को इसकी मेजबानी दी गई है, जो कि इस प्रतियोगिता का आयोजन करेगी। प्रतियोगिता के सफल आयोजन के मद्देनजर झारखंड कराटे एसोसिएशन के महासचिव रेसी सुनील किसपोटा के अध्यक्षता में मंगलवार को बैठक संत जोसेफ क्लब में की गई, जिसमें आयोजन कमेटी का गठन किया गया, जिसमें कि 5 अलग अलग विभाग बनाए गए, जो कि इस प्रतियोगिता की तैयारी करेगी। किसी भी दिन बंद हो सकता है रिम्स का किचन। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में भर्ती मरीजों को खाना उपलब्ध कराने वाले कर्मियों को 2 से 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। बता दें, किचन चला रही एजेंसी ने रिम्स से बकाया मिलने पर ही वेतन भुगतान करने की बात कही है। वहीं रिम्स के पोषण एवं आहारिकी
के हेड इसे दबाव बनाने की कोशिश बता रही है। एजेंसी और रिम्स के बीच चल रहे इस विवाद के कारण खाना बनाने वाले कर्मी पीस रहे हैं। बता दें आगे इसके चलते रोगियों को भी परेशानी हो सकती है। साहिबगंज में अलाव से 17 घरों में लगी आग। झारखंड के साहिबगंज में अगलगी की घटना में लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। बता दें साहिबगंज सदर प्रखंड के लालबा थानी पंचायत उत्तरी के मखमलपुर गांव में भीषण आग की चपेट में 17 घर आ गए। आशंका है कि आग अलाव की चिंगारी से फूस के बने एक घर में लगी और आस पड़ोस के घरों में फैलती चली गई। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के विरोध में हंगामा। केंद्रीय शहरी मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना लाइट हाउस प्रोजेक्ट का विरोध शुरू हो गया है। बता दें यह प्रोजेक्ट HEC परिसर के आनी टोला में बनना है। प्रोजेक्ट के स्थल निरीक्षण के लिए नगरीय निदेशालय के असिस्टेंट डायरेक्टर शैलेश प्रियदर्शी, नगर निगम से सिटी मैनेजर और मैजिक रेट कंपनी की टीम गई थी। स्थानीय लोगों ने टीम को स्थल निरीक्षण करने से रोक दिया। स्थानीय लोगों ने टीम को आनी टोला स्थित फुटबॉल मैदान से हटने को कहा। 1 करोड़ का इनामी नक्सली के भतीजा नक्सलियों से ले रहा लोहा। पारसनाथ पहाड़ की तलहटी में स्थित पीराटांड प्रखंड का मदनाडीह गांव नक्सली प्रभावित इसी गांव का रहने वाला 1 करोड़ रुपए का इनामी मवादी मिसिर बेसरा भाजपा मवादी की सर्वोच्च कमेटी पोलित ब्यूरो का सदस्य और नक्सलियों का मुख्य रणनीतिकार है। बता दें मिसिर बेसरा जहां पूरे देश में नक्सलियों आतंकी फैलाने में लगा है, वहीं उसका भतीजा सुशील कुमार CRPF में भर्ती होकर 5 साल से नक्सलियों से लोहा ले रहा है।